नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान का अनोखा तरीका। ना आपको माला चाहिए, ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ना आपको 2 से 3 टाइम ध्यान साधना करनी है, बैठना नहीं है, कोई बैठने की जरूरत नहीं है, बिना नहाए धोए कर सकते हैं। तो क्या है वो अनोखी विधि, जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी ध्यान साधना की बात चलती है तो कोई माला से जप करने लगता है, तो कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान साधना करता है, फिर रात्रि को ध्यान साधना करता है, फिर 2-2 घंटे 1-1 घंटा ध्यान करने लगते हैं। तो कई बार ये होता है आज नहाए नहीं अभी सुबह, तो नहाना पड़ता है। तो ये इस तरह से नहा के ध्यान करना है, शुद्ध होके करना है। तो ये कई सवाल के घेरे में प्रत्येक व्यक्ति होता है, जिस वजह से इन्हीं कुछ वजहों से वो ध्यान में कभी ध्यान करता है, कभी नहीं करता, कभी ध्यान टूट जाता है, कभी वो लेट उठता है, कभी कुछ होता है, ऐसे वो नहीं कर पाता। तो आज इन सभी उलझनों से हम सभी को छुटकारा दे देंगे और आप ऐसी एक सरल और अनोखी विधि बताएंगे जिससे आप इनसे परे होकर आराम से और बहुत जल्दी उस अपनी आत्मा और उस परमात्मा को जान पाएंगे। तो वो कैसे क्या होगा, तो पहले ये जान लें कि आप क्या हैं। आप एक शक्ति का, ऊर्जा का पुंज हैं। हम आपको लास्ट में एक ऐसी उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, कुछ भी मिस ना करें। तो आप जब भी कहीं भी बैठे हैं, सोए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपने श्वास हमेशा आपकी चलती रहती है। तो आपने हर श्वास के आने और जाने पे ध्यान रखना है और कोशिश करनी है उसमें आपने पहले तो अंदर ही मन ही मन में आपने बोलना है सो हम। जब आपने श्वास लेनी है तो सो की आवाज करेंगे और जब श्वास छोड़नी है तो हम कहें, हम की आवाज निकालनी है। ये आपने शुरू में अंदर ही अंदर बोल के करना है, सो हम, सो हम। क्योंकि ये आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, सोए हैं तब भी कर सकते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे, कोई सफर कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई रुकावट नहीं है। आपने श्वास को लिया, आपको लेना ही पड़ेगा, जीवित रहना है तो श्वास लेना पड़ेगा और जीवित रहना है तो श्वास छोड़ना भी पड़ेगा। तो इसलिए जब श्वास आप भरते हैं और छोड़ते हैं तो सो हम, सो हम, सो हम आपने अंदर से बोलना है मन ही मन में। अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो पहले बोल के कर लें, फिर धीरे धीरे मन ही मन में करना है, बाहर नहीं बोलना है। फिर इसी आवाज को जब भी आप सोने लगे या बिल्कुल फ्री हैं तो बैठ के इस आवाज को सुनना है आपने। कहीं भी बैठे, 5 मिनट का समय मिला, 2 मिनट का मिला, या रात्रि सोने जा रहे हैं तो 15-20 मिनट लग जाते हैं सोने में, तो आप लेट के ही उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। आपको सोहम की आवाज जो सुनने की कोशिश करनी है, और जब सुनेगी तो वो सो हंग हो जाएगा। पहले सो हम था, अब सो हंग सुनाई देगा आपको। आपने जब सुनना है तो सो हंग, सो हंग, सो हंग, ये आवाज आएगी आपको। इस आवाज को आपने सुनना है, जो ऑटोमेटिक इस नेचर ने, इस परमात्मा ने इस आवाज को इसी भाषा में बनाया है, और वही आपका एक तरह से वो सोहम का जाप, बहुत शक्तिशाली जाप है, जिसे हम शिव और शक्ति का जाप भी कह देते हैं। तो ये जो सो होता है इसको हम शक्ति बोल देते हैं, और जो हम होता है वो शिव होता है। तो ये सो हम एक ये सारी निराकार शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आप खुद देखने का नजरिया अगर देखेंगे तो आप खुद को ही ब्रह्म, या खुद को ही आप शिव शक्ति, और खुद को ही आप चेतन आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कैसे हो पाएगा ऐसे? आप क्या करते हो, जितनी भी चीजें ये देखते हो, ये सारी चीजें द्वैत में देखते हो, आप 2 चीजें देखते हो।
आप हो और सामने कोई व्यक्ति है, आप हो और सामने दीवार है, आप हो सामने कोई वस्तु है, तो ये ड्यूअलिटी में देखते हो दो चीजें। जबकि आप अद्वैत हो, द्वैत नहीं हो, दो नहीं हो, आप एक हो, सारी चीजें एक हैं, सारी चीजें ऊर्जाएं हैं। जैसे आप देखते हो एक फिल्म है, जब आप फिल्म मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, वहां पे एक प्रोजेक्टर पे एक फिल्म चलाई जाती है, वहां से एक ऊर्जा निकलती है और सामने एक पिक्चर बना देती है और आप उसको देखते हो और पूरा एंजॉय करते हो। आपने क्या देखा, उन सभी हीरो हीरोइंस को या जो भी कहानी चली उनको देखा? नहीं, आप सिर्फ एक लाइट को देख के आए हो और आपके माइंड में उस लाइट को समझने के लिए अलग अलग विचार थे, तो आपने उस लाइट को समझा कि ये लाइट क्या क्या कर रही है। बैक में जाके देखेंगे तो बस वो एक लाइट का पुंज ही था जो सामने पड़ा और आपने उसे देख के कुछ विचारों से चीजें बना ली। किसी ने उस फिल्म को अच्छा कहा, किसी ने उस फिल्म को बुरा कहा, ये सभी के अलग अलग विचार थे, वो देखा सिर्फ उन्होंने रोशनी को। तो ये सारा संसार रोशनी से भरा हुआ है। आप जब तक दो को देखते हो तब तक आपके लिए ये दो चीजें हैं, अन्यथा सब एक है। आप ही वो ऊर्जा हो, आप ही वो शिव हो, आप ही वो ब्रह्म हो। देखने का नजरिया आपको चेंज करना होगा। कई व्यक्ति जब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी को देखते हैं तो उनसे घृणा करते हैं, जबकि सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जिन्हें भी आप देखते हो ये सब माया है। आप ही देखने वाले हो और आप ही दिख रहे हो सामने, दोनों एक ही चीजें हैं। आपको लगता है कि वो अलग अलग है, लेकिन जब उसे आप समझ जाओगे तो आपको पता होगा देखने वाले भी आप थे और दिखने वाले भी आप थे, उनमें कोई भेद नहीं था। जैसे आप सपना देखते हो तो कभी कभी डर जाते हो, तो आप देखने वाले भी आप हो और सपना दिखाने वाले भी आपके खुद के ही माइंड में वो सपना आया, उसने आपको भूत दिखाया और आप स्वयं ही डर गए। कोई एक ही व्यक्ति था, एक ही विचार था और आप ही उससे डर गए, क्योंकि आपने उसे ड्यूल समझा, दो समझा। डराने वाला भी आप ही थे, डरने वाले भी आप ही थे, कोई तीसरा नहीं था। आपका सपना था, आपने ही डिजाइन किया और आपने ही देखा और आप ही डर गए। जब तक ये दो का भाव होगा तब तक आपको माया ये घेर के रखेगी, आप इस माया जाल को नहीं समझ पाओगे। जब इस माया जाल से आपने पार होना है तो आप उस चैतन्य को, उस ब्रह्म को समझो कि आप सभी ब्रह्म हैं। आप सभी ब्रह्म जब आपने आपको समझेंगे तो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जानवर में, प्रत्येक चीजों में आप स्वयं को ही पाएंगे। अभी आप ही ये वीडियो भी देख रहे हो तो इसमें या सुन रहे हो तो ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। आपको लगता है ये कोई बोल रहा है या आप कुछ देख रहे हो तो ये सारी ऊर्जा ही है। आप खुद भी ऊर्जा हो, मैं खुद भी ऊर्जा हूं, ये सारा कुछ ब्रह्म ऊर्जा रूप है। और जब आप इस तरह से आप अपने आप को समझ लोगे तो आप स्वयं को जान पाओगे। जब इस सोहम के जाप को आप करोगे तो आप श्वास के अलावा और कुछ नहीं रहोगे। धीरे धीरे आपका शरीर आपको लगेगा है ही नहीं, आप सिर्फ श्वास के द्वारा जो ली जा रही है वही एक ऊर्जा हो, वही एक चेतन हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो। और फिर उसी में ही लय हो जाओगे, सोहम में ही आप लय हो जाओगे, आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे कि आप ऊर्जा रूप होगे, क्योंकि शिव और शक्ति आप इसका ही रूप बन जाओगे, जान जाओगे आप है ही यही। आपको लगता है कि आप कुछ अलग हो, लेकिन आप अलग नहीं हो, आप वही एक ऊर्जा हो, वही चेतन हो, वही ब्रह्म हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लाइक नहीं करते वीडियो को, अगर नहीं अच्छा लगता तो जरूर हमें कमेंट में लिखा करें कि हमें अच्छी वीडियो नहीं लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें, ताकि और भी जो अध्यात्म के ऊपर हम आपको वीडियो बनाकर देते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।